हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम आज जो है लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल आरओ एआरओ एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला, उसका दूसरा वीडियो है आज। पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, सिलेबस वाली वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत आवश्यक है और एक क्रम में पढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस को तो वो भी बहुत मजेदार होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने वहां बता दी हैं पहले ही, ताकि आप उसको देख के फिर वीडियोस को देखते चले जाइए। चीजें कुछ बार बार डिस्कस नहीं की जाती, समय जाता है उन सबने। तो मुझे उम्मीद है पहला पार्ट आपने देखा होगा, आज दूसरे पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में और उनका एक्सप्लेनेशन से संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको, ठीक है। तो आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हम यहाँ से देखें तो ये पार्ट टू है और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। आंसर आपको ठीक वैसे ही करने जैसे पिछली वीडियो में किए हैं, आप आंसर करने का प्रयास करिए, मैं सही आंसर बता के एक्सप्लेनेशन करूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं आपको वहां पे ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि ये गलत हो रहा है तो इसमें थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन ए है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, बी है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, डी सी है कृषि साख सुविधा और डी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। कौन सा कारण है जिससे सबसे अधिक प्रभावी हुआ है कृषि उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में, ए बी सी डी में से सही आंसर करना था आपको और इसका सही आंसर क्या है, ए है, ए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं, बाकी आपको मैं तो एक्सप्लेनेशन दूंगा ही। मैं जब इकोनॉमी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति जब लाई गई, ठीक है, तो हाइब्रिड जो है वैरायटी सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी ईल्ड्स के जो सीड्स हैं उनको जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है, हाई वैरायटी ईल्ड के जो है या हाई ईल्ड के जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, तो उसके कारण जो है उत्पादकता बढ़ गई थी कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी का पार्ट, पंजाब और हरियाणा। उस वही एक कारण है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण रहा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग यहाँ पे देखा गया और स्पेशली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। इसकी सहायता से जहाँ उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बना, वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी शीर्ष पर है। दो क्वेश्चन और बन गए, गेहूं उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश है ना, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो दूध उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पे आता है ना, दूध उत्पादन में, और गन्ना उत्पादन में भी जो है पहले पे आता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में, तो ये ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन, है ना, कुल खाद्यान्न उत्पादन, आम उत्पादन, इनमें जो है उत्तर प्रदेश पहले पे रहता है, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर टू, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन जब आए आपके एग्जाम में और आपको इसका आंसर ना पता हो तो कोशिश करा करिए कि जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो है उगाई जाती है ये आपको शायद ना पता हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपको पता है सोयाबीन की फसल जो है अधिकतर मध्य प्रदेश में की जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य में से एक में होता है सोयाबीन की फसल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से कौन से है, जो कौन सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जो सीमा साझा करता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, मिट्टी लगभग समान है, तो सोयाबीन की फसल मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है उगाई जाती है, इसमें आपका रामपुर, बरेली, है ना, बदायूं, ये भी आते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड
के अंतर्गत जो है सभी जनपदों और बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ में भी सोयाबीन की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा सटीक आंसर बुंदेलखंड है, उसके अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी जो है और जिलों में भी देखी जाती है, शाहजहांपुर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, मेरठ हो गया, इनमें भी की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन है आपका 3, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये सारे ही आई हुए क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सब PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से जो है आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, 1974 में, 1978 में, 1984 में या फिर 99 में। क्या सही आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेरे प्यारे लाल लालियो। इसका सही आंसर क्या है, ए है। क्या है, ए है। 1974 में जो है राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो है स्थापना की गई थी, किसकी, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की, 1974 में, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहां की बात की गई है, लखनऊ महानगर। और जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि आर ओ ए आर ओ में जो है अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, नगरीकरण से क्वेश्चन आता है, तो हमेशा सिलेबस अगर देख के जाएंगे आप तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। नगरीकरण सिलेबस में दिया हुआ था और लखनऊ महानगर से क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला की बात कर रहा है कि आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित किया था, तरीके से विकसित किया था, पहली चीज। दूसरी कह रहा है ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर, किसने, सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। 18वीं सदी में नवाब आसफुद्दौला, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर। तीसरा कह रहा है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, इसमें पूछ रहा कौन से सही है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है मेरे लाल लालियो कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्या ध्यान रखना है, सही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सही पूछ रहा है, और तीनों में से आपको जो है सही ऑप्शन बताना है। तो इजी है क्वेश्चन कि नहीं है, नहीं है, इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सही है, कथन एक सही है। उसके बाद कह रहा है ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर जो है ध्यान दिया, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हरकोट बटलर वाली बात भी ठीक है। तीसरी बात कह रहा है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये 23 नहीं होता, ये जो है आपका हो चुका है 55% के आसपास, और आप इसको एग्जैक्ट कह सकते हैं 54.98%। ठीक है, जबकि यहाँ 23% दिया है तो तीसरा गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सुन रहा है, कौन से सही हैं, तो पहला और दूसरा सही है, बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से, राजधानी कहाँ से, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, किसने, आसफुद्दौला ने, और इसको विकसित किया ढंग से। आगे आया ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के लगभग 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, ये मैंने बात आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहु बेगम का मकबरा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद। बहु बेगम का मकबरा बताना है मेरे प्यारे लाल लालियों को, क्या बताना है, बहु बेगम का मकबरा, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद, क्या है इसका सही आंसर प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है डी, फैजाबाद।
फैजाबाद इसका सही आंसर है, नवाब सुजाउद्दौला की जो बेगम रानी ब्रेडम जो थी फैजाबाद में ही अवस्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाबी गैंग का आंदोलन का संस्थापक कौन है इनमें से? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, वंदना सेवा। आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू में सारे ही आए हुए होते हैं, बट ये दो बार पूछा जा चुका है अब तक। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक ये चर्चा में रही इसीलिए क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है। गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक है संपत पाल। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ। कहां पे? बांदा जिले। आपने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी होगी मेरे प्यार लाल लारियो, एक मूवी है गुलाबी गैंगी करके है, ठीक है एक मूवी गुलाबी गैंग, क्या नाम है उसका बताइएगा, उसमें माधुरी दीक्षित है एक्टर। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? महिलाओं घरेलू हिंसा व अन्य हिंसात्मक कार्रवाई से रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। अगला है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां स्थापित करेगा? ये हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, तो आंकड़ा केंद्र स्थापित हो गया है गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में या फिर गाजीपुर में। क्या होगा इसका सही आंसर आपने बताना है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप बताइए कमेंट करके। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र डेटा केंद्र कहां बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये डेटा सेंटर है, 24 अक्टूबर 2020 को ये बनाया गया था। कहां बनाया गया था? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। अब तो इसकी डेट का कोई मतलब नहीं है, बट ये जब क्वेश्चन आया था तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहां पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसका क्या उद्देश्य है? तो ई गवर्नेंस को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलना और अन्य जगहों पर आईटी व्यवसायों को सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? कौन सा इनमें से जो है संस्था है जो उत्तर प्रदेश में उद्यमी जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनको हेल्प करता है और उनके उद्योग लगाने में उनकी सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत शानदार। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या फिर उद्योग बंधु, क्या है सही इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारे बच्चों डी इसका सही आंसर है, उद्योग बंधु यहाँ पे करेक्ट है। ये राज्य का पहला ऐसा संगठन था जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है पूरी तरह जो है समर्पित था, उद्योग बंधु, ध्यान रखिएगा। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है। ये एक त्रिस्तरीय संरचना है उद्योग बंधु, जिसमें जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय जो है श्रेणियां बनी हुई है। ये उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में, निवेश करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये बात ध्यान रखनी है, मैंने कई बार कहा है सही है कि गलत है ये को अंडरलाइन किया करो। तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई कह रहा है, और दूसरी बात कह रहा है ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तरों को चुनना है, ठीक है। ठुमरी के बारे में दो बातें कही गई हैं और दोनों में से जो है आपको सही आंसर चुन देना है। ठुमरी के बारे में केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना ही दो, कौन सा जो है कथन सही है इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बातें जो है दोनों ही सही है, एक और दो दोनों सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है ये बात बिल्कुल सही है। और ठुमरी क्या है? ये शास्त्रीय गायन की एक शैली है, ये ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय गायन की एक शैली है, ठीक है, शास्त्रीय गायन की शैली है ठुमरी, ये बात ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय गायन की शैली है। आप नहीं तो सोचेंगे ठुमरी है क्या, ठीक है। सो ठुमरी एक शास्त्रीय गायन की शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके समय में जो है ये
हुई थी उनको ही जनक माना जाता है। लखनऊ वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी मानी जाती है, ठीक है। और दो इस समय थे उस्ताद सादिक अली खां, उनको इसका जनक माना जाता है ठुमरी का। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ठुमरी ये सही बात है, गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के वाजिद अली शाह के समय हुई। उस्ताद साजिद अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में ये बात पूछ ले, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता का उच्चतम स्तर पे थी, है ना। इसके राग कौन कौन से हैं? खमास, काफी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी, ठीक है, आदि ठुमरी के राग हैं। इन राग से जो है क्वेश्चन बन जाता है। पीलू राग में ठुमरी, है ना, सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर लगती हैं और आकर्षक बन जाती हैं, ऐसा है इसके बारे में। अगला है दसवां, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नहीं को गोला करना है आपने। जहां भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए मेरे लाल लालियों के। क्या होना चाहिए? दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि नहीं है पूछ रहा है बबुआ। क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक फूलों का नहीं है क्या? गेहूं का, आलू का, गन्ने का, ठीक है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, गेहूं का, आलू का, गन्ने का तो है, गेहूं का अभी देखा, गन्ने का मैं आपको बता चुका हूँ, आलू का निर्यात जोन हमने देख लिया, फूलों का तो नहीं है बाबू। क्या है? फूलों का नहीं है। ये जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है गलत आंसर है और गलत ही पूछ रहा था। तो नगदी फसलों जैसे गन्ना तथा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नगदी फसल आपसे पूछ ले तो गन्ना और आलू जो है नगदी फसलों में आता है, गेहूं आपका खाद्यान्न में आता है, नगदी के तौर पे इसका इस्तेमाल भी किया जाता है अगर अतिरिक्त उत्पादन हो जाए तो, ठीक है। ये बात अलग है एक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। भारत के मेंथा तेल, मेंथा, ठीक है, मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60%, 85%, 75%, 90%। नवरत्न देखते हो, मिंट की बात हो रही है, मेंथा बेसिकली मिंट ऑयल की बात हो रही है प्यारे बच्चों, किसकी? मिंट ऑयल की। और वो जो नवरत्न आप लगाते हो ठंडा ठंडा कूल कूल, वो मिंट होता है उसमें। तो ये मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, बताइए इसका सही आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 80% जो है भारत के में जितना मेंथा उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें 85% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है प्रायोजित की गई किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी डारप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूपी डारप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और पूछ रहा है यूपी डारप जो है किसके द्वारा प्रायोजित की गई, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, यूपी डारप। इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश कृषि, है ना, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, डारप बोलते हैं इसको, ठीक है, डारप, उत्तर प्रदेश कृषि जो है परियोजना, विविधीकरण परियोजना जो है शुरू की गई थी विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई, है ना, कृषि समृद्धि आयोग। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2016, 2017, 2018 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है, कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई। चलिए आंसर कर दिया होगा मुझे उम्मीद है, और इसका सही आंसर क्या है? 2017। बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, नवंबर 2017 में ऐसा किया गया था, कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, जो पीएम मोदी ने भी कहा और जो
भाजपा सरकार ने कहा उसको प्राप्त करने का इनका लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? यहाँ पे देखो जिन्स पूछ ली है, किस्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, और मैंने आपको बता रहा था सिलेबस में कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको किस्मों से, जीन्सों से और जो है कई सारी फसलों के रोगों से भी जो है आपको क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे देखने मिलेंगे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस की मैंने आप यही कही थी, ठीक है, इतने ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपसे। तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ है। बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दशहरी आमों का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाता है। लखनऊ का मलिहा भाग क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने सब्जी और आम उत्पादन में देखा था इन सब चीजों को, ठीक है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। तो हमने देखा था कि जो आपके आ, आ, जो आम उत्पादक, आम निर्यात जोन है, आम निर्यात जोन में और सब्जी निर्यात जोन में, आम प्लस सब्जी निर्यात जोन में हमने देखा था लखनऊ, ठीक है, लखनऊ आ रहा था, सहारनपुर आम के में स्पेशली, लखनऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मेरठ, बागपत, ये मुजफ्फरनगर, ये सब आ रहे थे। अगला है 15वां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? कमर्शियल क्रॉप पूछ रहा है, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अभी पीछे ही देख लिया हमने कि उत्तर प्रदेश की जो है वाणिज्यिक फसल यानी कमर्शियल क्रॉप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आम है, माफ कीजिए, गन्ना है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, इसमें आप देख भी सकते हो। और उत्तर प्रदेश में 177.43 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है गन्ने का उत्पादन के तौर पे देखा गया इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। क्या बात इसमें जो है सही है, ये पूछ रहा है। चार कथन जो आपको दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये बात हम पहले देख चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी बात ठीक है, हमने देखा था, हमने पढ़ा था, है ना, लखनऊ में ये पढ़ा था। दूसरा भी ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात जो है गलत है, ये बात गलत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो एक कथन गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, और जिसमें तीसरा है उसको काट दो, यहाँ भी तीसरा है, यहाँ भी तीसरा है, ठीक है। अब आपके दो बच गए, केवल एक तथा दो, केवल एक दो तथा चार, ठीक है। तो अब आपने देखना है चौथा क्या है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल ठीक है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने निष्कर्ष ये निकलेगा कि एक दो चार सही है, एक दो भी गलत है, सी यहाँ पे सही है, और आयोग ने भी इसको सही माना है। हालांकि गन्ना उत्पादकों की संख्या कितनी है ये निकालना डाटा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट फिर भी मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो गन्ना उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी। तीन तो बिल्कुल असत्य है, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं, वो तो क्वेश्चन गलत था। अगला है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा से कथन सही है? बताना है आपको, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, तो ये तो हमने पीछे वाली स्टेटमेंट में ही देखा कि गन्ना उत्पादन तो भाई उत्तर प्रदेश में खूब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक है, ये भी हमने देख लिया था। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये बात गलत है, चावल में पश्चिम बंगाल आता है, तो ये तो बात गलत हो गई। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, तो सही में हम क्या कह देंगे भाई, पहला और दूसरा सही है, तो सिर्फ पहला और दूसरा यहाँ पे ठीक है, तीसरा इसमें भी था, तीसरा इसमें भी था, दो तो एलिमिनेट ही हो गए।
अगर आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका होता है, ये इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। कृषि योग्य भूमि का बताइएगा आप मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, 20, 15, 17, 19। भारत की कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में है, आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 20, 15, 17, 19 क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या है प्यारे लाल लालियों? 15। बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का 15% जो है उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये डिटेल है और पुराना क्वेश्चन है तो इसको पूछेगा भी नहीं ऐसे तो। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? उत्तर प्रदेश में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा या फिर वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय ये खोला गया इलाहाबाद में, जिसको अब क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। ए बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। 23 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यानी आप प्रयागराज मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रंग थिएटर किसके लिए जाना जाता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, लखनऊ का छतर मंजिल और जीपीओ लखनऊ, रंग मंदिर। मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? रंग मंदिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? तो इसका सही आंसर क्या है? जीपीओ लखनऊ, लखनऊ जीपीओ। आज जिस इमारत को जो है लखनऊ जीपीओ के नाम से जाना जाता है उसको जो है पहले कहा जाता था रंग थिएटर, तो डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ब्रिटिश भारत में अगर देखो आप तो अंग्रेजों का मनोरंजन का केंद्र था ये जीपीओ, ठीक है, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन में जो है विद्रोह या हमले होने की आशंका में अंग्रेजों ने रिंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहा जाता है। रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी पूछ ले आपसे तो दिमाग खुला होना चाहिए मेरे लाल लालियों का कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पूछ रहा है लाल लालियों, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, है ना, जल्दी से बताइए। तो क्या है इसका आंसर बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी एवब। बिहार में आता है ना ये ऑप्शन, अब पहले आता था अब तो हटा दिया गया है। नन ऑफ दी एवब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3, 4, 2, 1 अब नहीं है, अब तो कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं अब तो इसमें 6 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम एक पांच छठवां ऑप्शन बना देंगे कि भाई नन ऑफ दी एवब है। क्या है? नन ऑफ दी एवब है। मार्च 31, 2013 तक उत्तर प्रदेश में 4 थे, अब हम 2023 में जी रहे हैं तो 23 का भी याद रखना है। फिलहाल आप याद रखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी AU, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पांचवा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज, उसके बाद राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है ना, उसके बाद है एक आपका छठा केंद्रीय महाविश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से कितने हो गए? 6 हो गए, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, है ना, ये चौथा हो गया। उसके बाद जो है आपका राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में है, और झांसी में है आपका लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। 6 हो गए इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? नन, नन ऑफ द अबव, हटा दिया था आयोग ने इसको।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभी बताया, राजीव गांधी एविएशन, ठीक है, कहाँ है? पुरसतगंज में। और ये कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुरसतगंज अमेठी में, मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। भारत में विमान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका जो है स्थापना की गई थी और प्रमुख संस्थान के रूप में माना गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? राज्य उच्च शिक्षा परिषद, और ये जो है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है इससे जो है सारे लोग सही आंसर आप में से करोगे, और इसी के साथ जो है पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट थ्री हम फिर देखेंगे। तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 90, 95, 2000 या 2005 में। सही आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? इसका सही आंसर है बी, 1995 में जो है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज जो है कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट टू, ठीक है, पार्ट टू कंप्लीट हो गया। आपने यहां तक वीडियो देखा तो थैंक यू आपके लिए। नए हैं क्रैक नाउ पे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको निशुल्क मिलती रहेंगी। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एक बार चेक जरूर करिए। यूट्यूब पे नए हैं बता दिया, पीडीएफ के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, सीधे आपको सर्च करना है क्रैक नाउ ऑफिशियल। क्या करना है? क्रैक नाउ ऑफिशियल आप लिखिए टेलीग्राम पे जाके, वहां से हमारा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे, क्विज मिलेंगे, डेली क्विज कराते हैं, करंट अफेयर क्विज कराते हैं, वो सब मिलेगा। कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो 9781890 नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और अपनी क्वेरी का समाधान लीजिए। आपको किसी टेस्ट पेपर से जुड़ना है, किसी कोर्स से जुड़ना है, तो भी इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद।